राजधानी भोपाल में एक बार फिर बंदूक के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कृष्णा ऑर्किड कॉलोनी में ज्वेलर्स की दुकान पर लूट की गई है। हेलमेट पहनकर बाइक सवार दो बदमाश आए। बदमाशों ने कैश समेत सोने चांदी के जेवर लूट लिए। बागसिवनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अब क्या कुछ कार्रवाई चल रही डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है, पूछताछ के बाद आगे सीसीटीवी कैमराज के वीडियो चेक किए जाएंगे और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले के बाद एक बार फिर से मार्केट में दुकानदारों में दहशत है। जिस तरह बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और हथियार लेकर आए थे बदमाश, किसी के ऊपर हमला भी कर सकते थे, और ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन आरोपियों की तलाश में जुट गया है। तो भोपाल में एक बार फिर से बंदूक की नोक पर लूट हुई है। दो बाइक सवार बदमाश हेलमेट पहनकर आते हैं और ज्वेलरी की दुकान से सोना चांदी कैश लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि कौन है और कहां से बदमाश आए थे और जिस बाइक पर सवार होकर आए थे उसके नंबर को लेकर तमाम जो है जांच पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं, आसपास के जो लगे हुए हैं। बदमाशों ने कैश समेत सोने चांदी, लेकिन कितने के थे, कितना कैश था, अब तक जानकारी नहीं है। वासु हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या जानकारी मिल रही है, नुकसान कितना हुआ है, कितने रुपए के सोने चांदी लूटे गए हैं और अब क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में बदमाशों का, लुटेरों का कहर जो है वो लगातार जारी है। कुछ दिन पहले रचना नगर टॉवर में जो वारदात हुई थी वो घटना है, वो सीसीटीवी सामने आया और उसके बाद एक बार फिर से बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बागसिवनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। घटना कल देर शाम की जो है वो बताई जा रही है। दो बदमाश एक ज्वेलर्स की दुकान पर बंदूक लेकर घुसते हैं, बंदूक की नोक पर उससे लूटने का काम करते हैं। करीब 40,000 रुपए कैश लूटा गया है, जो कि उस समय दुकान में कैश मौजूद था, और उसके अलावा ज्वेलर्स भी लूटे गए हैं जिसमें सोने चांदी के ज्वेलर्स शामिल होना बताया जा रहा है। अब ये ज्वेलर्स की कितनी कीमत है फिलहाल इसका जो अंदाजा है वो लगाया जा रहा है। कल देर रात ये पूरी घटना सामने आने के बाद कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र समेत पुलिस के तमाम अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे और वहां पर तफ्तीश की गई। अब जो आसपास लोग वहां पर मौजूद थे घटनास्थल पर उनसे पूछताछ की जा रही है और इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, उनको भी तलाशा जा रहा है कि उसमें से कोई क्लू मिल सके। दो बदमाश बाइक पर हेलमेट कराए थे, यानी कि जाहिर सी बात है कि उनका चेहरा छुपा हुआ था। वैसे में उनको आइडेंटिफाई करना पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती जो है वो बना हुआ है, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का जो काम है वो किया जाएगा। लेकिन इस तरीके के मामले अब भोपाल में आए दिन सामने आ रहे हैं, जिससे आम लोग काफी परेशान है, जनता में दहशत सा माहौल जो है वो बना हुआ है और कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर जो है वो लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस अब क्या प्लानिंग करती है, कैसे पेट्रोलिंग को और भी ज्यादा मजबूत किया जाता है, सख्त किया जाता है और ऐसे मामलों को कैसे रोका जाता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो सक्रिय हैं और दावा यही है कि जल्द ही जो पूरे बदमाश हैं, जो आरोपियों ने गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चुनौती एक ये भी रहेगी कि मार्केट में जिस तरह की दहशत है, दुकानदारों को उस दहशत से उसे भयमुक्त कराया जा सके और अपराधियों पर लगाम लगाना भी एक बड़ी चुनौती होगा इन आरोपियों को तलाशने के अलावा भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल वापस ले ली है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सुरक्षा का आश्वासन दिया, मांगे मान ली जाएंगी ऐसा आश्वासन दिया गया है और उसके बाद कहीं जाकर हड़ताल वापस ली गई है। आपको बता दें कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टरों के साथ हुई वारदात के बाद से पूरे देश में आक्रोश है और खासकर डॉक्टर के साथ हुई इस बर्बरता का देश भर के डॉक्टर्स में आक्रोश है और सभी ने हड़ताल शुरू कर दी थी। ऐसे में अब उसका हल ये निकाला गया है कि जो भी मांगे डॉक्टर्स के द्वारा की गई हैं उन मांगों को मानने के लिए सरकार ने अब एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है और उन सभी मांगों को मान लेने के लिए आश्वासन दिया है।
और जबलपुर से खबर, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया गया। संस्कारधानी में एक मशाल जुलूस यात्रा निकाली गई। हिंदू सेवा परिषद के सैकड़ों युवकों ने मशाल लेकर गुस्सा जताया है। भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की गई है। मशाल जुलूस यात्रा में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल हुए। रायपुर नगर निगम के सामने दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चल रही हैं। दरअसल मारपीट की वजह कोई पुरानी रंजिश बताया जा रहा है और मारपीट की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। और वर्चस्व की लड़ाई के चलते कॉलेज छात्रों के बीच ये मारपीट शुरू हुई थी। बूढ़ापारा, गवली फील्ड और बैजनाथपारा के युवकों ने जमकर लात घूंसे, लाठी डंडे चलाए। हालांकि बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने के लिए छात्रों को तितर बितर किया और कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। रायपुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां नगर निगम के बाहर ही ये आपस में भिड़ते नजर आए और वो भी पुलिस के सामने ही। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को नियंत्रित किया और इस पूरे मामले में कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। और बढ़ते आगे, शाजापुर में जब्त की गई अवैध शराब पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट कर दिया गया। लाखों रुपए की अवैध शराब को नष्ट किया गया है। अवैध शराब की बोतलों पर जेसीबी मशीनें चली हैं। 510 पेटी अंग्रेजी शराब नष्ट की गई है। पुलिस ने साल 2014 में शराब पकड़ी थी। दो ट्रक से भी ज्यादा शराब नष्ट की गई है। शाजापुर पुलिस ने आज अवैध रूप से पकड़ी गई शराब को इस तरीके से नष्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में अवैध शराब का जो जखीरा था, जो पुलिस ने पकड़ा था साल 2014 में, उसके बाद लगभग 10 सालों बाद जाकर जो है पूरी शराब की खेप को नष्ट किया जा रहा है। आज जो है आबकारी विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी में इस पूरी शराब को नष्ट किया जा रहा है। कई शराब के जो बड़े ब्रांड है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर है, उनको नष्ट किया जा रहा है। कोतवाली थाना पुलिस ने साल 2014 में अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी थी लाखों रुपए की। उसके बाद लंबे समय से पुलिस के पास ये शराब रखी हुई थी और अब लगभग 10 सालों बाद अवैध शराब की खेप को नष्ट किया जा रहा है। सुनील हंचुरेन, ब्रेकिंग मध्य प्रदेश, चला। रायपुर से खबर, जहां रायपुर में ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग को ब्लैकमेल कर रहा था। दरअसल चैटिंग में अश्लील वीडियो बना लिया गया और वीडियो वायरल करने की ये धमकी दे रहा था। पुलिस ने आरोपी से मोबाइल जब्त कर लिया है और अब आगे कार्रवाई की जा रही है। और बिलासपुर से बड़ी खबर आपको